पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली का गया में किया गया पिंडदान। बेटे रोहन जेटली ने किया पिंडदान। रोहन जेटली के साथ उनकी मां संगीता जेटली, बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा सहित कई नेतागण रहे मौजूद। भारत के पूर्व वित्त राज्य मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली का गया में पिंडदान किया गया। उनका पिंडदान उनके बेटे रोहन जेटली द्वारा विष्णुपद मंदिर स्थित देवघाट के समीप हनुमान मंदिर के प्रांगण में किया गया। रोहन जेटली के साथ उनकी मां संगीता जेटली भी मौके पर मौजूद थी। पूरे धार्मिक विधि विधान से रोहन जेटली द्वारा अपने पिता स्वर्गीय अरुण जेटली का पिंडदान व श्रद्धा कर्मकांड किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा सहित कई नेतागण मौजूद थे। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय पंडा अमरनाथ मेहरवार ने बताया कि भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली का पिंडदान उनके बेटे रोहन जेटली के द्वारा किया गया है। मुख्य रूप से फल्गु घाट, हनुमान मंदिर, विष्णुपद मंदिर प्रांगण, प्रेतशिला व अक्षयवट पिंड वेदी पर उनका पिंडदान कराया गया है। ऐसी मान्यता है कि गया जी में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि देश दुनिया के लोग यहां आकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। उक्त लोगों के द्वारा भी अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति को लेकर पिंडदान कर्मकांड किया गया। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए गया से प्रदीप रंजन की रिपोर्ट। ये माननीय अरुण जेटली जी जो शरीर छोड़ चुके, शरीर शांत हो चुका, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के पुत्र हैं रोहन जेटली जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता जेटली जी, और संगीता जेटली जी के भाई साहब आए हैं अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए। यहाँ तो पिंडदान का ऐसे माना जाता है कि समस्त पितरों का पिंडदान किया जाता है, लेकिन मूलतः स्वर्गीय अरुण जेटली जी पूर्व वित्त मंत्री, उनके पिंडदान के लिए उनकी पत्नी और पुत्र आए हुए हैं। यहाँ का मंदिर का कार्यक्रम आ गया नहीं, अभी जो है सो यहाँ फल्गु घाट से शुरू किया है इन्होंने। फल्गु भगवान विष्णु का मंदिर, सीताकुंड, प्रेतशिला और अक्षयवट, ये पांच जगहों का पिंड का इनका कार्यक्रम है। अमरनाथ मेहरवार, दाढ़ी वाले, पंजाबी पुरोहित, पंजाबी धर्मशाला। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।